पटना के जेडीयू कार्यालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जेडीयू के राज्य स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस दौरान जेडीयू के कई नेता भी मौजूद रहे। पटना में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री मुकेश सहनी ने की मीडिया से बात। इस दौरान उन्होंने कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक है और पूरी जिम्मेदारी के साथ खरमास के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाएगा। प्रक्रिया होना है तो अभी किया जाएगा और तो नामांकन किया जाएगा। समय आने पर हमारे एनडीए गठबंधन से जो भी साथी होंगे उसका हम लोग समर्थन करेंगे। सहनी ये दोनों मुझसे कहीं पे से नहीं जाने वाले, हमारे पास समय है। अभी तो हमारे एनडीए गठबंधन से बातचीत होगा और एक दो दिन के अंदर में आप लोगों को नाम का घोषणा हो जाएगा कि किनको हम लोग भेज रहे हैं। एक दो दिन के अंदर में जानकारी आप लोगों को। रांची में आज आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से राज्यसभा सांसद प्रेमचंद गुप्ता, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सैयद फैजल और पूर्व विधायक मंगिता देवी ने मुलाकात की। इस दौरान तीनों ने सरकार पर जमकर हमला बोला। रांची में पूर्व मुख्यमंत्री सह बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल से प्रदेश के कई मुद्दों पर बात की। इसके साथ साथ एक प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जमशेदपुर में बन के तैयार होगी। इसी संदर्भ में कि जल्द से जल्द, क्योंकि जमशेदपुर आदितपुर एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र है और हमारी सरकार इस सोच के साथ इस प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का निर्माण किया था। रांची में ग्रामीण विकास विभाग ने की बैठक। इस दौरान कंप्यूटर ऑपरेटर पदों पर बहाली को लेकर की गई बात। जो काम आया है 14 फ्रेंड्स के जो इंजीनियर या कंप्यूटर ऑपरेटर काम कर रहे थे उसको भी रोजगार कायम रहे, बहाल रहे, उसके भी दिशा निर्देश दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री के पास संचिका भेज दिया है, दो चार दिन में इसका भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। सेना में भर्ती के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाला एक शख्स को आर्मी इंटेलिजेंस इकाई और दानापुर पुलिस ने बोधगया से गिरफ्तार किया है। इसके पास से कई फर्जी आधार कार्ड और मुहर बरामद किए गए हैं। गोपालगंज में लगातार तीन हत्याओं के बाद डीआईजी मनु महाराज ने घटना में शामिल सभी अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। एक्शन में रोहतास के नए एसपी आशीष भारती, हथियार की खरीदारी करते हुए एक अपराधी को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार अपराधी के पास से चार पिस्टल सहित चार मैगजीन और एक फोन बरामद। रोहतास पुलिस के द्वारा लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है और उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में यह सूचना मिली कि कुछ अपराधी दावत थाना अंतर्गत परमेश्वर पुल पूर्व पुल के पास एकत्रित होकर के एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए अवैध अग्नियास्त्रों की खरीद बिक्री कर रहे हैं। दरभंगा सोना चांदी लूटकांड का खुलासा। मामले में महिला सहित कुल 19 अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। एसएसपी बाबूराम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 1.5 किलो सोना, 72 पीस हीरा सहित नगद कैश भी हुआ बरामद। जहानाबाद में करंट लगने से किसान की हुई मौत। घटना के बाद इलाके में मचा हड़कंप। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बोकारो पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जहां पुलिस ने घर से 1,22,000 रुपए चोरी कर फरार हुए आरोपी को धर दबोचा। बता दें कि पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। इसे एक मामला प्रतिवेदित हुआ था भीम गोराई के द्वारा, उनके घर से 8.5 लाख रुपए गायब हो गए। जांच पड़ताल के क्रम में पता चला कि भीम गोराई की पत्नी बीमार थी, उसको दिखाने के लिए ये हॉस्पिटल गए हुए थे, इलाज चल रहा था। बोकारो के चास में एक बैटरी दुकान की शटर तोड़कर लाखों का सामान लेकर फरार हुए चोर। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना अंतर्गत नानदुप के पास एक घर में उत्पाद विभाग की टीम ने मारा छापा। इस दौरान मौके से अवैध देसी महुआ शराब पीते 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। चाईबासा में आरोपी बहू ने प्रेमी मामा के साथ मिलकर की सास की हत्या। वहीं पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। मुजफ्फरपुर के सकरा में तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार युवक को कुचला। हादसे में मौके पर युवक की हुई मौत। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। सरायकेला के धातकीडीह आंगनबाड़ी केंद्रों में 2 दिवसीय अनुसूचित जाति महिला श्रमिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। इस दौरान मौके पर कई कर्मचारी रहे मौजूद। चाईबासा के पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोयलकेरा थाना क्षेत्र से भाकपा माओवादी के जोनल कमांडर मोछू उर्फ मेहनत दस्ता को 2 नक्सली हुए गिरफ्तार। वहीं गिरफ्तार नक्सलियों को भेजा गया जेल।
लातेहार के चंदवा में ट्रेन के चपेट में आने से मुखबदीर दिव्यांग की हुई दर्दनाक मौत। वहीं हादसे के बाद मौके पर पहुंची मुखिया ने मृतक की पत्नी से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा जताया। सरायकेला में टाटा मुख्य मार्ग पर ट्रक के चपेट में आए दो बाइक सवार, हादसे में एक की हुई मौत और दूसरा गंभीर रूप से हुआ घायल। सरायकेला खरसावा जिला के ईचागढ़ में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं हाथियों के उत्पात से लोग दहशत में जीने को मजबूर। सीतामढ़ी युवा कांग्रेस ने शहर के दलित आश्रम स्थित शहीद स्मारक पर दीप प्रज्वलित कर शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी। एक दिया शहीद किसानों के नाम आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेस नेताओं ने आंदोलन में शहीद हुए किसानों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कैमूर के कुदरा थाना क्षेत्र के सकरी में रहने वाले किसान स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए सरकारी मदद की आस में दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिल रहा है। अरवल जिले के राजकीय कृत प्लस टू उच्च विद्यालय फकरपुर में स्मार्ट क्लास का उद्घाटन स्थानीय विधायक मानंद सिंह ने किया। इस अवसर पर छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा से ही समाज और देश का विकास संभव है। बिहार के चर्चित चिलमरवा कांड के आरोपी और जीरादेई के भाकपा माले विधायक जेल से निकलकर बैठक में हुए शामिल, विधायक ने अनुश्रवण समिति की बैठक में लॉ एंड ऑर्डर पर उठाए गंभीर सवाल। बीजेपी ने राजगीर में दो दिवसीय प्रदेश प्रशिक्षक प्रशिक्षण शिविर का किया आयोजन, केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा एनडीए में ऑल इज वेल। राजगीर के बिहार पुलिस अकादमी में पुलिस उपाधीक्षक 56वें से 59वें बैच का पारण परेड का किया गया आयोजन, समारोह में बिहार के पुलिस महानिदेशक एस के सिंगल भी रहे मौजूद। बोकारो में छिनतई का विरोध करने पर ड्यूटी पर जा रहे होमगार्ड के जवान और उसके पिता को बदमाशों ने पीट कर किया घायल, वहीं घायलों का फिलहाल अस्पताल में चल रहा है इलाज।